क्वेश्चन है, इफ रूट ऑफ 5 इक्वल टू 2.24 एंड रूट ऑफ 6 क्या दिया है 2.45, देन द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2 अपॉन 3 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या आएगी। ऑप्शन ये दी गई हमें ए बी सी और डी। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या दिया गया, सिर्फ रूट क्या दिया गया है, रूट 5 है और रूट 6 है, लेकिन हमें निकालना क्या है, रूट 2 अपॉन 3, तो 2.3 निकालना है प्लस रूट 5 अपॉन 6 निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू है, हम इसको अलग अलग रूट देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन इधर है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो रूट ऑफ 4 आपको पता है रूट ऑफ 4 इक्वल टू क्या आता है 2, लेकिन इधर रूट ऑफ 6 हमें यहाँ पे गिवन दिए, हमें क्या करना है इसको इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 2 से। तो ये क्या करेंगे, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 into 2, और ये कितना आ जाएगा हमारा रूट ऑफ 5 upon 6 है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये रूट ऑफ 6 ये भी क्या रहेगा रूट 5 upon root of 6, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे हम, डिनोमिनेटर जब सेम रहा तो क्या आ जाएगा रूट 6 आ गया ना जी हमारे पास, 2 plus root 5 प्लस, अब रूट 5 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 2 plus root 5 की वैल्यू दी है 2.24 होल अपॉन रूट 6 की वैल्यू क्या दी गई है हमें 2.45 क्लियर। अब इन दोनों क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 4.24 राइट अपॉन आ गया 2.45। अब देखो मैंने कहा था आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब पॉइंट वाले टर्म्स हो, पॉइंट के आगे जैसे सेम सेम टर्म हो, तो हमें इसको डायरेक्टली क्या लिख देना, 4.24 upon 2.45 समझ गया ना। मतलब पॉइंट पर दो टर्म्स है, इधर भी पॉइंट पर दो टर्म्स है, अपॉन में जी पॉइंट खत्म हो जाएगा, मतलब क्या करो अपॉन 100 आ जाएगा, वो कट कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, इसको डायरेक्टली लिख देना यहाँ पे। अब इसको काटो, करो इसको डिवाइड, जब इसको डिवाइड करोगे 4.24 को डिवाइड करो किससे, 2.45 से, बंद कर लिया 2.45 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 9 राइट, और ये कितना है हमारे पास 7.1, पॉइंट लगाया 0 बना, फिर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना आया 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.715, इसको माइनस करा कितना रहा हमारे पास, ये है हमारे पास 7.75 बच गया, ठीक है ना। तो फिर क्या किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पहले पॉइंट लगाएंगे 0 बनेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 5 15 12 plus 1 13 6 plus 1, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। इस तरह से पॉइंट में जाएगी आगे काम, तो जो क्योंकि पॉइंट के बाद आगे हम इसको ले सकते हैं, देखिए हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें क्या दिया, पॉइंट के बाद दो ही टर्म दी गई हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म इसमें सूटेबल है, हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट, समझ आया क्वेश्चन, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।